वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर। एक बार पुनः क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए इंग्लिश का महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आप पढ़ चुके हैं, इसका कुछ पार्ट आपने पढ़ा है, आप देख रहे हैं द सेंटेंस। द सेंटेंस एंड इट्स टाइप ये आप पढ़ चुके हैं, इस जिसके अंतर्गत आपने लास्ट जो वीडियो था उसमें आपने पढ़ा था। सेंटेंस की जो डिफिनेशन है, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे सेंटेंस कहलाता है, और विद एग्जांपल ये हमने आपको बताया था। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत, जैसा कि आपको मालूम है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस होता है, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डिफिनेशन और एग्जाम्पल्स देखे थे। आज एक बार पुनः हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, जैसा कि आपने एक परिभाषा जो पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास तथा कम से कम एक सबॉर्डिनेट क्लास होती है। विद एग्जाम्पल यहाँ पे आपने देखा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जो एग्जाम्पल हमने आपको लास्ट टाइम पर समझाया था। चूँकि सबॉर्डिनेट क्लास की बात आई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लें कि सबॉर्डिनेट क्लास कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, सबॉर्डिनेट क्लास की बात करेंगे तो नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास एंड एडवर्ब क्लास। इसका ये मतलब हुआ कि ये नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास होता है। सबॉर्डिनेट क्लास के तीन ये प्रकार होते हैं, और यदि तीन प्रकार होते हैं तो सबसे पहले हमें नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, संक्षेप में जान लेना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर नाम क्लियर है, नाउन, तो नाउन के बारे में, नाउन की जो डिफिनेशन होती है बहुत शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, आइडिया, प्लेस, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है, विचार का नाम होता है, तो उसको हम नाउन कहते हैं। एडजेक्टिव की जब हम लोग बात करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। ऐसे वर्ड्स जो नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की नॉर्मल सी ये डिफिनीशन आपने देखी है। ठीक इसी तरह से एडवर्ब यहाँ पर जो एडजेक्टिव होता है उसको भी क्वालिफाई करता है। तो इस तरह से एडवर्ब ऐसा शब्द होता है, ऐसा वर्ड होता है जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करे, तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। या यूँ भी हम कह सकते हैं कि एडवर्ब अगर वर्ड है वहाँ पे, तो एडवर्ब को भी एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है। तो ओवरऑल हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें कि राम इज ए गुड बॉय, तो राम इज ए गुड बॉय यहाँ पे जो गुड है वो एडजेक्टिव है, और यहीं पे अगर हम कह दें राम नाउन है तो राम इज ए गुड बॉय, अब यहाँ पे गुड क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन यहीं पे हम कह देते हैं कि राम इज ए वेरी गुड बॉय, तो वेरी शब्द जो है वो उसने एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर दिया। एडजेक्टिव यहाँ पे गुड है तो उसने जो है वेरी गुड हो गया, तो वेरी गुड यानी कि बहुत अच्छा है, तो गुड को भी उसने क्वालिफाई किया। तो ऐसे शब्द को, यानी कि वेरी यहाँ पे जो शब्द आया है वो एडवर्ब कहा जाएगा। तो बहुत आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। खैर, अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें बात करनी है नाउन क्लाज। तो नाउन क्लाज में नाउन का कार्य करती है, नाउन क्लाज वाक्य में कोई भी वाक्य है तो वो नाउन का कार्य करती है। इट इज़ क्लियर दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये स्पष्ट है कि आपने मिस्टेक की है, गलती की है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो तिरछे शब्दों में लिखा हुआ है सेंटेंस, दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, दिस इज अ नाउन क्लाज, एंड नाउ सेकेंड वन इज एडजेक्टिव क्लाज, वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करती है। एडजेक्टिव का मतलब हमने पहले ही आपको बताया, ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव क्लाज, अब हम देखेंगे, आई हैव अ रिंग, मेरे पास एक रिंग है, लेकिन रिंग कैसी है, किस चीज़ की बनी हुई है, इसको अगर क्वालिफाई करने वाला सेंटेंस आ जाएगा तो उसको हम एडजेक्टिव क्लाज कह देंगे। क्योंकि क्लाज का मतलब उपवाक्य होता है, तो पूरा सेंटेंस एक तरह से होता है,
जो यहाँ पर आई हैव अ रिंग, मेरे पास एक रिंग है विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब हमने जोड़ दिया तो हमें रिंग की क्वालिटी पता चल गई, रिंग किस चीज़ की बनी हुई है, गोल्ड की बनी हुई है ये हमने जान लिया, यानी कि विच इज मेड ऑफ गोल्ड, दिस इज एडजेक्टिव क्लाज। एडजेक्टिव क्लाज को हम रिलेटिव क्लाज भी कहते हैं, ये नोट करके यहाँ पे लिखा है, इसको हमें ध्यान रखना है। एडवर्ब क्लाज वाक्य में एडवर्ब का कार्य करती है, यानी कि एडवर्ब का कार्य क्या होता है ये हमने आपको बताया था। एडवर्ब की परिभाषा क्या होती है, एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, तो ये एडवर्ब क्वालिफाई करता है, इस तरह से वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और स्वयं एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो ये आइए एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन यू केम हियर, जब आप यहाँ आए, आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल, मैं नॉवेल पढ़ रहा था, तो आप देख सकते हैं व्हेन यू केम हियर आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल, तो जब आप यहाँ पे आए तो मैं नॉवेल पढ़ रहा था। तो यहाँ व्हेन यू केम हियर आप देख सकते हैं एडवर्ब क्लाज है, और इस तरह से अब बात करेंगे हम तीसरा जो टाइप है, जैसा कि पहला हम लोगों ने देख लिया है, पहला सिंपल सेंटेंस होता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और तीसरा काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत देख रहे थे। तो सी जो पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस, तो कंपाउंड सेंटेंस की परिभाषा को जान लेते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाज तथा कम से कम एक ऐसी क्लाज होती है जो बाकी की प्रिंसिपल क्लाज की कोऑर्डिनेट होती है, कोऑर्डिनेट यानी कि समान पदी। इसका ये मतलब हुआ कि एक जो प्रिंसिपल क्लाज होगा ठीक सेम एज इट इज उसी टाइप का एक सेंटेंस और होगा, कोऑर्डिनेट मतलब समान पदी वाक्य होगा। तो इससे पहले कि हम कंपाउंड सेंटेंस के एग्जांपल्स को देखें तो एक बार पुनः इस परिभाषा को पढ़ते हैं और सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की परिभाषा को दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि हमें बहुत आसानी से इसमें जो डिफरेंस है वो हमें पता चल जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाज तथा कम से कम एक ऐसी क्लाज होती है जो प्रिंसिपल क्लाज की कोऑर्डिनेट हो, इतनी परिभाषा है यहाँ पे, एक प्रिंसिपल क्लाज तथा कम से कम एक ऐसी क्लाज जो प्रिंसिपल क्लाज की कोऑर्डिनेट क्लाज हो, कम से कम एक लिखा हुआ है यानी कि अधिकतम कितनी भी हो सकती हैं। तो आइए हम सबसे पहले अब सिंपल सेंटेंस को एक बार पुनः देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, तो सिंपल सेंटेंस की सिंपल सी बात हो गई कि एक फाइनाइट वर्ब अर्थात सिंपल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्रिंसिपल क्लाज तथा कम से कम एक सबॉर्डिनेट क्लाज, एक प्रिंसिपल क्लाज तथा कम से कम एक सबॉर्डिनेट क्लाज, सबॉर्डिनेट क्लाज यानी कम से कम एक लिखा है तो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है सिंपल सेंटेंस यानी कि केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक प्रिंसिपल क्लाज तथा कम से कम एक सबॉर्डिनेट क्लाज। सबॉर्डिनेट क्लाज तीन प्रकार की होती है जो हमने अभी अभी आपको बताया, पुनः एक बार रिवाइज कर देते हैं, नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज एंड एडवर्ब क्लाज। अब कंपाउंड सेंटेंस की चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स फिर देखेंगे। कंपाउंड सेंटेंस की परिभाषा डिफर कैसे है, कैसे क्या डिफरेंस है ये ज़रूर जान लीजिए। एक यहाँ पर एक प्रिंसिपल क्लाज होती है और कम से कम एक क्लाज ऐसी होती है जो बाकी की प्रिंसिपल क्लाज की कोऑर्डिनेट होती है। एग्जाम्पल से आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, गोल्ड इज येलो बट सिल्वर इज वाइट, यानी कि गोल्ड इज येलो बिल्कुल सेम सेंटेंस जैसा लग रहा है, सिल्वर इज वाइट। तो आप देखिए यहाँ पर गोल्ड इज येलो, ठीक है ये प्रिंसिपल क्लाज है, बट सिल्वर इज वाइट, दिस इज कोऑर्डिनेट, यहाँ पर समानपदी एक सेंटेंस है, एक क्लाज है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपाउंड सेंटेंस कहा जाएगा। आगे आने वाले सिलेबस में हम जरूर इस बात को जानेंगे कि कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनता है, कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, कैसे सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें जैसे ही इस कोर्स का विस्तार होगा खासकर 11th या 12th में तो वहाँ पर हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना जानना ज़रूरी है कि कंपाउंड सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है और एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं, समझना है एग्जाम्पल के थ्रू। डू गुड एंड फियर नन, यानी कि अच्छा करो किसी से मत डरो, तो अच्छा करोगे निश्चित रूप से किसी से डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फादर वाज एंग्री एट ही सेड नथिंग, यानी कि पिताजी एंग्री थे
क्रोधित थे इट, मतलब फिर भी, ही सेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा. तो दे आस्क्ड हिम हाउ ही रिसीव्ड द वाउंड व्हाट ही रिफ्यूज्ड टू आंसर. तो अंतिम वाक्य को ध्यानपूर्वक देखिए. इस वाक्य में पहली क्लाज प्रिंसिपल क्लाज है. पहली क्लाज यानी कि यहाँ दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे पूछा हाउ ही रिसीव्ड द वाउंड, ये घाव कैसे हुआ है. व्हाट ही रिफ्यूज्ड टू आंसर, उसे आंसर देने से मना कर दिया. तो क्लाज हाउ ही रिसीव द बाउंड, आप देख रहे हैं ये कौन सा क्लाज है. इस वाक्य में पहली क्लाज प्रिंसिपल क्लाज है. दूसरी क्लाज जो लिखा है हाउ ही रिसीव द बाउंड, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डार्क में भी लिखा हुआ है, तो डार्क में लिखा हुआ तो ये सबॉर्डिनेट क्लाज है. बट ही रिफ्यूज टू आंसर. और तीसरी क्लाज आप देखें यहाँ पे, ही रिफ्यूज टू आंसर प्रिंसिपल क्लाज की कोऑर्डिनेट क्लाज है. बहुत आसानी से देखिए एक ही सेंटेंस में किस तरह से कोऑर्डिनेट सेंटेंस को समझाया गया. कोऑर्डिनेट सेंटेंस को एग्जांपल के थ्रू समझाया गया और हमने इस सेंटेंस के माध्यम से देखा ऐसा सेंटेंस ही है जहाँ पर प्रिंसिपल क्लाज भी है और जहाँ पर सबॉर्डिनेट क्लाज भी है. सबॉर्डिनेट नाउन क्लाज है हाउ ही रिसीव द बाउंड एंड व्हाट ही रिफ्यूज टू आंसर, ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लाज भी है प्रिंसिपल क्लाज की. तो इस तरह से आपने यहाँ पर एक ही एग्जांपल से बहुत आसानी से बहुत अच्छे से कंपाउंड सेंटेंस को समझ लिया. अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्लाज की. तो आइए हम एक बार प्रिंसिपल क्लाज को पढ़ लेते हैं. सबॉर्डिनेट क्लाज क्या होता है इसको भी देख लेते हैं और कोऑर्डिनेटिंग क्लाज क्या होता है इसको भी देख लेंगे बहुत आसानी से. इसकी डिफिनीशन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे बहुत ज़्यादा विस्तार से, अभी नहीं जा रहे हैं. तो प्रिंसिपल क्लाज की डिफिनीशन क्या है. प्रिंसिपल क्लाज वह क्लाज है जो अपना पूर्ण भाव व्यक्त करने के लिए किसी अन्य क्लाज पर आश्रित ना हो. यानी कि प्रिंसिपल क्लाज, जैसा कि इसका नाम भी बड़ा शानदार है, आप देख सकते हैं वह क्लाज है जो अपना पूर्ण भाव प्रकट करने के लिए, पूर्ण भाव प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लाज पर डिपेंड नहीं होता है. यानी कि किसी भी क्लाज पर डिपेंड ना हो ऐसी क्लाज को हम प्रिंसिपल क्लाज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं ही सेड दैट ही वुड नॉट गो देयर, उसने कहा दैट ही वुड नॉट गो देयर, वो वहाँ नहीं जाएगा. स्टे वेयर यू आर, यानी कि जहाँ हो वहीं रहो. आई मेट अ बेगर हु वाज ब्लाइंड, मैं एक भिखारी से मिला जो अंधा था. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्लाज है. ही सेड दैट ही वुड नॉट गो देयर, स्टे ठहरो वेयर यू आर, यानी कि जहाँ भी हो वहीं आप ठहरो. आई मेट अ बेगर, ये यहाँ पर प्रिंसिपल क्लाज है. हु वाज ब्लाइंड, जो कि अब आइए यहाँ पर देखिए लास्ट में इन्होंने लिख दिया है उपयुक्त वाक्यों में टेढ़े छपे शब्दों से प्रिंसिपल क्लाज प्रकट हो रही है. तो पहले सेंटेंस में आपने देखा ही सेड, ये थोड़ा तिरछा लिखा हुआ है और यही यहाँ पर ही सेड, उसने कहा, यानी कि दैट ही वुड नॉट गो देयर, कि वो वहाँ नहीं जाएगा. तो ये प्रिंसिपल क्लाज है. ही सेड स्टे, यहाँ पर स्टे यानी कि ठहरो. वेयर यू आर, जहाँ भी हो. तो स्टे यहाँ पर प्रिंसिपल क्लाज है. आई मेट अ बेगर, मैं एक भिखारी से मिला. हु वाज ब्लाइंड, जो कि अंधा था. तो भिखारी यहाँ, आई एम अ बेगर, दिस इज प्रिंसिपल क्लाज. तो इस तरह से हम लोगों ने प्रिंसिपल क्लाज को देख लिया. अब आइए बात करते हैं सबॉर्डिनेट क्लाज की. तो सबॉर्डिनेट क्लाज किसे कहते हैं ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे. तो सबॉर्डिनेट क्लाज वह क्लाज है जो अपना भाव प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लाज पर आश्रित हो. यानी कि सबॉर्डिनेट जो क्लाज होता है वो किसी दूसरे क्लाज पर निर्भर होता है, आश्रित होता है. तो इसका परिभाषा को हम लोगों ने देख लिया. प्रिंसिपल क्लाज वह क्लाज है जो अपना पूर्ण भाव प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लाज पर आश्रित नहीं होती है. सबॉर्डिनेट क्लाज वह क्लाज होती है जो अपने भाव प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लाज पर आश्रित होती है. यानी कि ये दोनों डिफिनेशन एक दूसरे के विपरीत हैं. तो इसे फिर याद करने में आपको आसानी होगी. मेन फियर डेथ, लोग जो हैं वो मृत्यु से डरते हैं. एज चिल्ड्रेन फियर टू गो इन द डार्क, जिस तरह से बच्चे डार्क यानी कि अंधकार में जाने से डरते हैं, ठीक उसी तरह से लोग मृत्यु से डरते हैं. इस वाक्य में एज चिल्ड्रेन फियर टू गो इन द डार्क, दिस इज सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लाज. तो ये सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लाज है. तो
आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन फियर डेथ, लोग मृत्यु से डरते हैं, जैसे कि अब छोड़िए, अगर हम इतना छोड़ देंगे तो ये सेंटेंस अधूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे देखा है एज चिल्ड्रेन फियर टू गो इन द डार्क, ये जो सेंटेंस है वो डिफेंड है पूरी तरह से मेन फियर डेथ, और इसलिए इसको हम सबॉर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। कोऑर्डिनेट क्लॉज की बात कर लेते हैं शॉर्ट में। कोऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज है जो वाक्य में किसी क्लॉज के समान पदी हो, यानी कि अभी जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देखा था कोऑर्डिनेट क्लॉज समान पदी नाम से भी क्लियर है। गॉड मेड द कंट्री एंड द मैन मेड द टाउन, ईश्वर ने कंट्री बनाया, देश बनाया, एंड द मैन और लोगों ने, व्यक्ति ने मेड द टाउन, टाउन बनाया। द शी मस्ट वीप आर शी मस्ट डाई, वह अवश्य रोएगी अथवा वह मर जाएगी, अवश्य मर जाएगी। अवर होड इज लिटिल बट अवर हार्ट्स आर ग्रेट। तो इस तरह से इन सेंटेंसेज के माध्यम से आपने कोऑर्डिनेट क्लॉज को देखा है। उपर्युक्त वाक्य में जो टेढ़े छपे हुए शब्द हैं, जैसा कि पहले सेंटेंस में आपने देखा एंड द मैन मेड द टाउन, दूसरे में आपने देखा सी मस्ट डाई, तीसरे में बट अवर हार्ट्स आर ग्रेट। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट क्लॉजेज ये दर्शाई गई हैं तिरछे लिखे हुए शब्दों में। अतः प्रत्येक वाक्य कंपाउंड सेंटेंस है, यहाँ पर ये कंपाउंड सेंटेंस है, आपने देख लिया है। तो आई डोंट लाइक दैट यू वुड गो देयर एंड हेल्प हिम, उपयुक्त वाक्य में एंड हेल्प हिम, इसको ध्यान से देख लीजिए, दैट यू शुड गो देयर की कोऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि दैट यू शुड गो देयर नाउन क्लॉज है, अतः एंड हेल्प हिम भी नाउन क्लॉज है। कोऑर्डिनेट क्लॉज किसी सबॉर्डिनेट क्लॉज की भी समान पदी हो सकती है। तो आज हम लोगों ने बहुत आसान भाषा के द्वारा प्रिंसिपल क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है इसकी डिफिनीशन को जानने का प्रयास किया बहुत शॉर्ट में। निश्चित रूप से ये जो टॉपिक आने वाले समय में, आने वाले क्लासेज में जब विस्तारित रूप लेगा तो बहुत डिटेल में इसको पढ़ना होगा। तो फिलहाल यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि आप सभी इसकी जो डिफिनीशन है वो अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा। एक बार पुनः हम रिवाइज करते हुए इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज है जो अपना पूर्ण भाव प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लॉज पर आश्रित नहीं होता है। सबॉर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज है जो अपना भाव प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लॉज पर आश्रित होता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज है जो वाक्य में किसी क्लॉज की समान पदी हो, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। तो इस तरह से प्रिंसिपल क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसकी डिफिनीशन को आपने देखा है, साथ ही साथ सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इसको भी आपने बड़े ध्यान से अच्छे से इसको सीखा है, क्या डिफरेंसेज हैं इन सभी परिभाषाओं के बीच में, डिफिनीशंस के बीच में, ये भी आपने यहाँ पे देखा है। अब हम पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज इस टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।